हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कोलिक के बारे में, क्योंकि बिकॉज बहुत से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चों को कोलिक होता है तो बच्चों को कैसे सूध करें, कोलिक होता क्या है, कोलिक को कैसे डायग्नोस किया जाता है, यानी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को कोलिक है, और अगर कोलिक है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बच्चे को शांत कराना है, कोलिक का जो अटैक्स है वो कम करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके सबके साथ शेयर किया है। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चीज़ आती है कि कैसे पता करें कि बच्चे को कोलिक हो रहा है। बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से कारण आप गेस कर सकते हैं कि बच्चे जिस वजह से रो रहे हैं। लेकिन कोलिक का एक बहुत ही टिपिकल साइन होता है, जैसे कि जब बच्चा रोता है बहुत तेज़ी से रोता है और उसको जो उसका जो टमी होगा वो बहुत ही टाइट हो जाता है, बहुत फूल जाता है, उसका फेस रेड हो जाएगा और वो जिस पैर को खींच के अपने पेट की तरफ लाता है और जो अपना जो मुट्ठी है उसका जो फिस्ट है वो उसको क्लोज कर लेगा। तो ये बहुत ही टिपिकल साइन होता है कोलिक का। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि बच्चा कब रो रहा है, यानी कि अगर बच्चा हर दिन एक ही टाइम पे रोता है और वो ज़्यादातर जो शाम का टाइम होता है उसमें ही कोलिक स्टार्ट होता है, 3-4 घंटे तक हमेशा कोलिक रहता ही है। काफ़ी बार रूल ऑफ थ्री से डायग्नोस किया जाता है इसको, यानी कि दिन भर में अगर 3 घंटा बच्चा इस तरह से रोज़ रोता है, हफ्ते में 3 दिन होता है और जो 3 हफ्ते तक लगातार होता रहता है, तो 3 आवर्स, 3 डेज़ अ वीक और 3 वीक्स इन अ रो, मतलब कि कंटिन्यूसली 3 वीक्स तक अगर कोलिक होता है तो कोलिक डायग्नोस किया जाता है। लेकिन अभी कोलिक इतना कॉमन हो गया है कि बच्चे का रोने का कारण कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, बच्चा ओवरऑल बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसे मोस्ट प्रोबेबली कोलिक ही डायग्नोस किया जाता है और वो कोलिक ही होता है। अब जब हमने कोलिक डायग्नोस कर लिया है तो कोलिक का दर्द कैसे कम करें बच्चों का, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ कि पहला जिसमें कि आपको उसके कोलिक के सिम्टम्स ठीक करने हैं, रिलीफ करना है, थोड़ा थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिल जाए, और दूसरा आपको उसका जो रोना है वो जो बहुत अनकंफर्टेबल है उसको काम करना है, चुप कराना है आपको। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। तो वो कैसे करना है, तो कोलिक का सिम्टम रिलीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा मसाज। मसाज पे एक डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी चैनल पे है, तो इस तरह से आपको मसाज करना है। इसमें थोड़ा सा मैंने फास्ट दिखाया है आपको। ये सेकंड स्टेप है मसाज का। फर्स्ट स्टेप हमने सीधा सीधा किया था, फिर ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद हमें बच्चे का पेडलिंग करना है, जो हम साइकिलिंग करते हैं बच्चे का, वो पेडलिंग करना है। उसके बाद पैर को लेके जाना है उनके पेट की तरफ और उनके थाई से पेट को दबाना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और आपको मसाज करने नहीं दे रहा है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको गोदी में ही रख के जब आप उसको चुप करा रहे हैं तो फिर आप एक रुमाल लेके गर्म पानी से उसको सेक दीजिए, यानी कि रुमाल को गर्म पानी में डुबा के उसके पेट पे सेक देना है, जैसे कि हम बुखार में देते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास हींग का पेस्ट। बनाना कैसे है, थोड़ा सा चुटकी भर आपको हींग लेना है, 2 चुटकी आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इतना पानी नहीं कि वो बहुत पतला हो जाए, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको गैस पे गरम करना है इस तरह से, और जो पेस्ट बनेगा वो इस तरह से बनता है और उस पेस्ट को बच्चे के पेट पे लगाना है। ध्यान रहे कि जो नाभि का एरिया होता है नाभि के ऊपर नहीं लगाना है, उसके आसपास के एरिया में लगाना है, इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में, क्लॉकवाइज पैटर्न में, जो घड़ी का जो सुई होता है उसके पैटर्न में आपको अपना हाथ चलाना है इस तरह से, और ध्यान रहे कि बीच का जो उसका जो नाभि का पार्ट नाभि है वो बचा रहे, उसमें हींग ना जाए। अब अगला जो ऑप्शन होता है वो है टमी टाइम। बच्चे को अपने गोदी में इस तरह से उल्टा करके सुलाना है, और 1 महीने का बच्चा जो होता है उनको बेड पे टमी टाइम हम नहीं दे सकते हैं, तो उनको अपने गोदी में ही रखना है इस तरह से, उनका नेक भी सपोर्टेड रहेगा और उनका पेट भी दबा हुआ रहेगा, जिससे कि उनका गैस आराम से निकल सकता है। एक और जो ऑप्शन आता है वो है कोलिक मेडिसिंस का। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैंने अपने बच्चे में ज़्यादातर कोलिकेड यूज़ किया है और वो काफ़ी बेनिफिशियल लगा मुझे।
तो ये पांचों ही चीज़ आप करेंगे तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और मसाज अगर बच्चा नहीं करने देता है तो बाकी की चार चीज़ें आपको करनी है। अब बच्चा अगर बहुत रो रहा है तो पहले उसको चुप कैसे कराना है, आप अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो आप बच्चे को थोड़ा बहुत फीड करा सकते हैं, उसको सकिंग के लिए कोई चीज़ दे दीजिए जिससे कि वो इंगेज रहेगा, तो थोड़ा सा वो भूल जाता है उस चीज़ को। या फिर आप अपनी आवाज़ में उनको गा के कुछ सुना सकते हैं जो वो स्टार्टिंग से सुनते आए हैं, या फिर आप उनको जस्ट कडल करके बहुत जस्ट गोदी में बहुत ऐसे दबा के रख के उसको घुमाइए, उसको अपने गोदी में ही रख के घर में घूमिए तो उसको आराम लगेगा। तो ये सारी चीज़ों से बच्चे चुप हो सकते हैं। अब कोलिक का अटैक कम करने के लिए, कोलिक ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चों का मसाज रेगुलरली करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कोलिक बेबी है, यानी कि उसको कोलिक अटैक्स होता रहता है, तो उसको आपको उसी तरह का मसाज जो हम कोलिक में देते हैं वो मसाज आपको रेगुलरली देना है उसको मॉर्निंग और इवनिंग। दूसरी चीज़, उनको हमेशा फीडिंग के बाद बर्प कराना है। उनको फीडिंग फीड कराने के बाद उनको डायरेक्टली सुला नहीं देना है, उनको कुछ देर सीधा रखना है। बहुत बार ऐसी टेंडेंसी हमारी हो जाती है कि रात को अगर हम उसको फीड कराते हैं तो हम भी बहुत थके हुए रहते हैं और हम उसको डायरेक्टली सुला देते हैं, तो ये चीज़ मत करिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही बर्प कराते हैं सिर्फ और हमें लगता है कि हाँ बर्प तो कर लिया बच्चे ने तो हम उसको रख देते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ गैस अंदर रह जाता है, ट्रैप रह जाता है, तो वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि उस अगर वो नेचुरली ही कोली की बेबी है, उसको कोलिक होता रहता है, तो ये चीज़, तो अगर थोड़ा सा भी गैस उसके अंदर ट्रैप्ड रहेगा जो हमारी वजह से हुआ होगा तो वो उसको और दिक्कत देगा। तो हमेशा उसको बर्प कराइए, हमेशा अपने बच्चे को हल्का गर्म पानी में ही नहलाइए ताकि उससे थोड़ा सा उनका जो भी कोलिक सिम्टम्स है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए उनको। उसके बाद कोलिक प्रिवेंट करने के लिए आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपना खाना, जो माँ का जो खाना है वो बहुत संभल के खाना है, जैसे कि राजमा वगैरह होता है। मैंने नोटिस किया था कि जिस दिन मैं राजमा खाती थी या फिर छोला खाती थी, इस तरह की चीज़ें, तो मेरे बच्चे को कोलिक होता था, और उसके बाद जब 6 मंथ्स के बाद भी मैं खाती थी और मैं फीड कराती थी उसको, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता था। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी भी मैं जब खाती थी तो भी मेरे बच्चे को कोलिक ज़्यादा होता था, कैबेज जब मैं खाती थी तो भी उसको कोलिक ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं कि आप दिन भर में क्या खाते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखिए, और अगर आपको लगता है कि उसी दिन बच्चे को कोलिक ज़्यादा हो रहा है तो आप उसमें से आपको पता लग सकता है कि आपने क्या खाया था तो उसको कोलिक हो रहा है। तो ये आप अपना भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कोलिक से रिलेटेड। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।